सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पत्र लेखन की परिभाषा, पत्र लेखन की विशेषताएं बताई थी। इस वीडियो में हम पत्रों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। पत्र दो तरह के हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले समझें कि औपचारिक पत्र होते क्या हैं। इसके अंतर्गत कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकों पत्र, व्यवसायिक पत्र इत्यादि आते हैं। इनमें विषय के रूप में पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होता है। संबोधन के अंतर्गत संदर्भ के अनुसार महोदय, महोदया, मान्यवर इत्यादि लिखा जाना चाहिए। इसके बाद अभिवादन लिखे बिना सीधे विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए। पत्र समाप्त करने के बाद भवदीय या भवदिया लिखकर अपना नाम लिखें। इनमें वे पत्र आते हैं जिन्हें उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इन पत्रों में आत्मीयता का अभाव होता है। ऐसे पत्र संपादकों, सरकारी कार्यालयों में तथा व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे इसमें प्रार्थना पत्र भी आते हैं, जैसे हम अपने प्रधानाचार्य से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा। दूसरे प्रकार के पत्र हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे कि जिनमें कोई ज़्यादा शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत व्यक्तिक एवं निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र इत्यादि शामिल होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में प्रेम, स्नेह एवं आत्मीयता की झलक दिखनी चाहिए। इस प्रकार के पत्रों में यथाउचित अभिवादन एवं कुशल क्षेम इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संबोधन एवं अभिवादन के अनुसार भाषा में शिष्टता एवं गरिमा होनी चाहिए। सरलता एवं स्पष्टता इसके आवश्यक गुण हैं। इन पत्रों को समाप्त करने के बाद संबोधन के अनुसार अंत होगा, वो आवश्यक है। उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे। इनमें मुख्यतः वे पत्र आते हैं जो भावनात्मक जुड़ाव वाले निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र परिवार के लोगों, निकट संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि को लिखे गए पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे एक तालिका से समझते हैं। तालिका में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है औपचारिक पत्र, तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, पत्रों के प्रकार। कार्यालय संबंधी पत्र कैसे पत्र हैं, संबंध क्या है, संपादक को लिख रहे हैं, जैसे नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हैं, रेलवे अधीक्षक को लिख रहे हैं या केंद्रीय मंत्री को लिख रहे हैं, तो ऐसे पत्रों में संबोधन क्या होगा। संबोधन में हम लिखेंगे मान्यवर, महोदय लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं। यदि संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक महोदय लिख सकते हैं। इनमें अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं होती और इनके अंत में कृपा आकांक्षी, निवेदक, भवदीय, विनीत, प्रार्थी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले पे चलते हैं, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में भी संबोधन कर सकते हैं, प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी जो भी है उसको संबोधित किया जा सकता है। माननीय महोदय जी, आदरणीय, मान्यवर, इसमें भी अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में संबोधन के अनुसार अंत होगा, आपका आज्ञाकारी, विनीत, प्रार्थी, भवदीय इत्यादि। आप चलते हैं व्यावसायिक पत्रों पर। इनमें भी जैसे हम पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो उनके लिए हम संबोधन में लगाएंगे श्रीमान जी, महोदय, माननीय, प्रबंधक महोदय और अंत में भवदीय, निवेदक इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा। तो अब हम अगले चलते हैं अनौपचारिक पत्रों पर। अनौपचारिक पत्रों में वे पत्र आते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, अर्थात निजी पत्र होते हैं। इसमें भी संबंध के अनुसार संबोधन आएगा, उसके अनुसार अभिवादन आएगा और उसके अनुसार ही अंत होगा। तो जैसे तालिका में दिखाया गया है,
यदि हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन में श्रद्धेय, माननीय, मान्यवर, परम पूज्य, पूजनीय, पूज्या, इस तरह के संबोधन आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते हैं। और संबोधन के बाद अभिवादन करेंगे, सादर चरण स्पर्श या चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। समापन में जो संबोधन किया उसके अनुसार ही समापन होगा, आज्ञाकारी, विनीत, आपका स्नेहाकांक्षी इत्यादि लगा सकते हैं अंत में। ऐसे ही यदि मित्र को लिख रहे हैं तो संबोधन में लिख सकते हैं मित्रवर, प्रिय बंधु, और अभिवादन में सप्रेम नमस्कार, और अंत में आपका मित्र, इस तरह से अंत कर सकते हैं। बराबर वालों को लिख रहे हैं तो उसके अनुसार संबोधन, छोटों को लिखते हैं तो उनके अनुसार संबोधन, पति पत्नी को लिख रहे हैं तो संबोधन उसके अनुसार होगा और अंत भी पत्र का उसके अनुसार होगा। तो यहाँ पर पत्र लिखते समय ध्यान रखें कि निजी पत्रों में ऊपर प्रेषक का नाम व पता होता है, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका नाम पता आ सकता है, और उसके बाद हम संबोधन लगाते हैं। संबोधन के बाद हम विषय सामग्री को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। जो औपचारिक पत्र हैं उनमें हम अपना एड्रेस, अपना पता बताते हुए जो समस्या है उसका वर्णन करते हैं, और अंत में उम्मीद जगाते हैं कि हमारी यह समस्या जल्दी ही हल होगी, और अंत जो है भवदीय से होता है। और जो निजी पत्र हैं उनमें ऊपर पता देंगे और उसके बाद उसमें विषय की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी जिस भी संबंधी को पत्र लिख रहे हैं उसका हालचाल पूछेंगे, अपना हालचाल बताएंगे, और जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय का वर्णन करेंगे, और उसका अंत जो है शुभकामनाओं सहित करेंगे, और जो संबोधन आगे प्रयोग किया उसके अनुसार ही उस पत्र का अंत होगा। जैसे हम माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो अंत में आएगा आपकी पुत्री। तो इस तरह से हम पत्र लेखन कला में निपुण हो जाएं, तो हमें इन सभी जो चरणों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनके अनुसार ही अंक विभाजन होता है, और पत्र की रूपरेखा अंक विभाजन के अनुसार ही करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पत्र लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।